नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ विषय के अंतर्गत उद्योग पर बात करेंगे। कुछ आधारभूत उद्योग हैं जो छत्तीसगढ़ में स्थापित रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पढ़ने से पहले आज का सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि छत्तीसगढ़ में हाइड्रो पावर जनरेशन या जल विद्युत उत्पादन की वर्तमान क्षमता कितनी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हाइड्रो पावर जनरेशन या जल विद्युत उत्पादन की कितनी क्षमता है छत्तीसगढ़ सरकार की, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं उद्योग की तरफ। देखिए, हमने औद्योगिक क्षेत्र पढ़ा, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल पार्क, इसके बारे में हमने पढ़ाई कर ली है। आज हम देखने वाले हैं कुछ उद्योग हैं जिनके बारे में हमको जानना है। देखिए, उद्योग जो होता है, इंडस्ट्री जो होती है, राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में हमने क्या किया, इसे कच्चे माल के आधार पर, उद्योगों को जो क्या होता है, अपने उत्पादन के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर हमने इसे क्या किया, क्लासिफिकेशन किया है। तो एक होता है, ठीक है, जो खनिज आधारित होता है, जैसे आपका जो आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, ठीक है, बालको, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको क्या चाहिए कच्चे माल के तौर पर, बॉक्साइट चाहिए। बॉक्साइट क्या है, खनिज। तो कच्चे माल के आधार पर हम क्या करते हैं, उद्योगों को क्लासिफाई करते हैं। पहला है जो खनिज आधारित है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। दूसरा जो कृषि आधारित है, आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और तीसरा जो है वन आधारित है। तीसरा क्या है, वन आधारित, जहां पर हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट से या वनों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को हम क्या करते हैं, तीन भाग में हमने डिवाइड किया है। ऐसे उद्योग जिनके कच्चे माल की आपूर्ति खनिज से होती है, वो खनिज आधारित उद्योग होंगे। ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, वो कृषि आधारित उद्योग होंगे। और ऐसे उद्योग जिनको कच्चे माल की प्राप्ति वन से होती है, ऐसे उद्योगों को हम क्या करेंगे, वन आधारित उद्योगों में शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, एक खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, क्या देखेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री। दूसरा हम देखेंगे जो कृषि आधारित है, शक्कर कारखाना, शक्कर फैक्ट्रीज। और तीसरा जो वन आधारित है, हम देखेंगे पेपर मिल या कागज कारखाना या कागज उद्योग। ठीक है, इस तीन कारखाने पर हम बात करेंगे। तीनों इम्पॉर्टेंट है, तीनों से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कवर करेंगे। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री, शक्कर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और आपका पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, कागज उद्योग, इन तीनों पर हम आज बात करने वाले हैं। क्लियर है, चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। देखो, छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट उद्योग है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, विकसित है, वेल डेवलप्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चूना का पर्याप्त भंडार है। सीमेंट उत्पादन के लिए जो प्राथमिक कच्चा माल होता है, वो चूना होता है, और छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है, चूने का विशाल भंडार है। हमने खनिज संसाधन के अंतर्गत पढ़ा था कि ये जो मैदानी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, मैदानी प्रदेश है, इसमें चूने का विशाल भंडार है। ठीक है, और चूने का भंडार है, इसलिए हमने देखा कि सीमेंट उद्योग हमारे यहाँ क्या है, पर्याप्त रूप से विकसित है। ठीक है, आधारभूत एक उद्योग है। तो अगर हम देखें, सीमेंट उद्योग तो वैसे हैं बहुत सारे, लेकिन हम देखेंगे कुछ परीक्षा उपयोगी सीमेंट उद्योग के बारे में हम जानेंगे, उनका नाम याद रखेंगे, ठीक है, और उनकी स्थिति हमको याद रखनी है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको आपको यहाँ पर देखना है। देखिए, पहला पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ का जो पहला सीमेंट कारखाना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना, इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना, इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। ये दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर क्या है, स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जामुल में, और सीमेंट कारखाने का नाम है ACC सीमेंट, ACC सीमेंट जामुल। छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना ACC सीमेंट जामुल, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सॉरी,
एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जामुल, ये राज्य का पहला सीमेंट कारखाना है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि राज्य में सर्वाधिक जो सीमेंट फैक्ट्री है वो बलौदा बाजार जिले में है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन या सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? बलौदा बाजार जिले में स्थित है, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, अब आपको बिलासपुर में सीमेंट कारखाना याद रखना है, जांजगीर चांपा में और रायगढ़ में, बिलासपुर संभाग के तीन जिले जहाँ पर सीमेंट कारखाना है, ठीक है। यहाँ पे ही कड़प्पा चट्टान है जहाँ चूना मिलता है, इसलिए सारे सीमेंट उद्योग यहीं पर केंद्रित होंगे। बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ तीन। रायपुर संभाग में बलौदा बाजार और रायपुर। दुर्ग संभाग में दुर्ग और एक आपको याद रखना है जगदलपुर में, ठीक है। तो तीन, तीन छः और एक सात, सात जिलों में सीमेंट कारखानों का नाम हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो बिलासपुर से हम शुरुआत करते हैं। बिलासपुर में है रेमंड सीमेंट, ठीक है। बिलासपुर में क्या है? रेमंड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। रेमंड सीमेंट कहाँ पर है? बिलासपुर में। ये है हमारा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में है, ये आपका अलग हो गया ना, बिलासपुर में याद रखना आपको रेमंड सीमेंट। जांजगीर चांपा में आपको याद रखना है पहला लाफार्ज सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। लाफार्ज की पहली शाखा है। दूसरा है यहाँ पर CCI 2, ये हालांकि बंद हो चुका है लेकिन आपको याद रखना है कि जांजगीर चांपा में था। लाफार्ज और CCI, लाफार्ज और CCI कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में है। CCI का मतलब हुआ सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2 कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में। तो ये तीन नाम हो गए, एक रेमंड सीमेंट बिलासपुर, लाफार्ज सीमेंट जांजगीर चांपा, CCI सीमेंट जांजगीर चांपा। रायगढ़ में है केलकर सीमेंट और मोदी ग्राम सीमेंट, ठीक है। केलकर सीमेंट कंपनी लिमिटेड और मोदी ग्राम सीमेंट कंपनी लिमिटेड रायगढ़ में। तो ये दो नाम आपको रायगढ़ में। बिलासपुर संभाग में आपको पांच नाम याद रखने हैं। यहां पर रेमंड सीमेंट, ये हो गया लाफार्ज सीमेंट और CCI 2, केलकर सीमेंट और मोदी ग्राम सीमेंट रायगढ़ में, ठीक है। अब इनकी लोकेशन पे भी हम बात करेंगे, पहले हम नाम याद रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम आ जाते हैं बलौदा बाजार में। रायगढ़ के बाद हम कहाँ पर आ जाते हैं? बलौदा बाजार में। यहाँ पर सर्वाधिक सीमेंट कारखाना है, तो इसका हमने कोड बना लिया है गाली, ठीक है। बलौदा बाजार में कौन से सीमेंट कारखाने हैं? तो गाली सीमेंट कारखाना है, याद रखना है आपको। जी से ग्रासिम, जी से क्या है? ग्रासिम सीमेंट। ए से है अंबुजा सीमेंट, ठीक है। ए से है अल्ट्राटेक। एल से है लाफार्ज, ठीक है। लाफार्ज का जो दूसरा ब्रांच है वो कहां पर है? बलौदा बाजार में। पहला है जांजगीर चांपा में, दूसरा बलौदा बाजार में। ई से है इमामी सीमेंट। तो ये पांच नाम आपको बलौदा बाजार में याद रखना, ठीक है। बलौदा बाजार में पांच नाम, जी से ग्रासिम सीमेंट, ए से अंबुजा, ए से अल्ट्राटेक, एल से लाफार्ज 2 और आई से इमामी सीमेंट, ठीक है। तो ये पांच नाम बलौदा बाजार में, पांच ये हो गए, पांच ये हो गए 10, क्लियर है। बलौदा बाजार के बाद रायपुर, ठीक है। बलौदा बाजार के बाद क्या याद रखना है हमको? रायपुर याद रखना है। तो रायपुर में आपको तीन नाम याद रखना है, ठीक है। रायपुर में तीन नाम याद रखना। देखिए, रायपुर में आपको JCB याद रखना है। JCB की खुदाई बहुत फेमस हुई थी बीच में, तो रायपुर में JCB की खुदाई चल रही है और सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो जे से है JK सीमेंट, जे से क्या है? JK सीमेंट। सी से है CCI, ठीक है। CCI का पहला शाखा था रायपुर में, एक आपका जांजगीर चांपा में, एक रायपुर में। JK सीमेंट, CCI सीमेंट। और बी से है बिड़ला सेंचुरी सीमेंट, बी से क्या है? बिड़ला सेंचुरी सीमेंट, ठीक है। रायपुर में बिड़ला सेंचुरी सीमेंट कहां पर है? रायपुर में।
तो तीन नाम रायपुर में, ठीक है, तीन नाम कहाँ पर, रायपुर में। रायपुर के बाद हम दुर्ग आ जाएंगे। दुर्ग में सीमेंट कारखाना हमने एक देखा कि भाई ACC जो है जामुल, ये राज्य का पहला सीमेंट कारखाना है, ACC सीमेंट एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड AC, ठीक है। रायपुर में JK सीमेंट है, यहाँ पर JK लक्ष्मी सीमेंट है। JK लक्ष्मी सीमेंट कहाँ पर है, दुर्ग में, ठीक है। ACC सीमेंट जामुल, JK लक्ष्मी सीमेंट दुर्ग, और यहीं पे JP सीमेंट भी है, ठीक है। क्या है, JP सीमेंट। तो AJ करके याद रखना है आपको, दुर्ग में AJ सीमेंट। A से ACC, J से दो नाम है, JK लक्ष्मी सीमेंट और JP सीमेंट, ठीक है। तो ये तीन इंडस्ट्री आपको दुर्ग में याद रखनी है। उसके बाद एक आपको याद रखना है जगदलपुर बस्तर में, जय बजरंग सीमेंट। क्या याद रखोगे, जय बजरंग सीमेंट। तो बजरंग बली के नाम से यहां पर सीमेंट है, जय बजरंग सीमेंट, कहां पर, बस्तर। यहां पर भी कड़प्पा चट्टान पाई जाती है, तो यहां पर भी क्या है, जय बजरंग सीमेंट इंडस्ट्री यहां पर स्थित है, क्लियर है। तो इतने नाम आपको याद रखने हैं सीमेंट उद्योग में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, देखिए, रेमंड सीमेंट बिलासपुर, लाफार्ज सीमेंट जांजगीर चांपा, CCI2 जांजगीर चांपा, लाफार्ज वन सी सी आई टू। तो लाफार्ज सीमेंट, CCI सीमेंट, केलकर सीमेंट और मोदीग्राम सीमेंट, केलकर सीमेंट और मोदीग्राम सीमेंट रायगढ़ में, बलौदा बाजार में ग्रासीम, अंबुजा, अल्ट्राटेक, लाफार्ज टू, इमामी, JK सीमेंट, CCI 1, ठीक है, JK सीमेंट और CCI 1 रायपुर में, बिड़ला सेंचुरी सीमेंट रायपुर में। तीन नाम आपको रायपुर में याद रखना है, JCB, तीन नाम दुर्ग में, ACC जामुल, JK लक्ष्मी और JP सीमेंट दुर्ग में, और एक नाम आपका जय बजरंग सीमेंट, ठीक है। कुछ और सीमेंट कारखाने इसमें ही हैं जिसमें आपको क्या याद रखना है, उनका स्थान याद रखना है। जैसे लाफार्ज सीमेंट है आरसमेटा में, लाफार्ज सीमेंट कहाँ पर स्थित है, आरसमेटा जांजगीर चांपा। हमने पढ़ा था कि आरसमेटा में चूने का भंडार है, चूने पत्थर का, तो आरसमेटा में लाफार्ज है। और CCI जो 2 है ये अकलतरा में था, ठीक है। केलकर सीमेंट और मोदीग्राम सीमेंट आप याद रखिए रायगढ़ में है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रासीम सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, ये दोनों सीमेंट है आपका रवान में, बलौदा बाजार के कहाँ पर, रवान में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। ग्रासीम और अंबुजा, ग्रासीम और अंबुजा कहाँ पर है, बलौदा बाजार के रवान में। अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक है हिरमी में, अल्ट्राटेक कहाँ पर है, हिरमी में स्थित है, आपको याद रखना। देखो अल्ट्राटेक लास्ट में क्या आता है, टेक आता है, टेक में एच है, इसलिए आपको याद रखना है अल्ट्राटेक एच से कहाँ पर है, हिरमी में है, कहाँ पर है, हिरमी में। लाफार्ज 2 सोनाडीह में है, कहाँ पर है, सोनाडीह में। ये दोनों रवान में है, ये हिरमी में है, ये सोनाडीह में है, ठीक है। JK सीमेंट तिल्दा में है, रायपुर में कहाँ पर है, तिल्दा में। CCI 1 मांढर में, और बी से बिड़ला, बी से बैकुंठ, तो बैकुंठ में है बिड़ला सीमेंट, ठीक है, बैकुंठ में क्या है, बिड़ला सीमेंट है। जामुल दुर्ग में ACC सीमेंट है, JK लक्ष्मी भिलाई में है, JP सीमेंट भी भिलाई में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जय बजरंग सीमेंट जगदलपुर में। तो इन सीमेंट कारखानों का आपको स्थान भी याद रखना है, जो जो मैंने बताया इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है। तो ये हो गया सीमेंट कारखाना। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू करना है, 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद आपको याद रखना है कि किस किस जिले में सीमेंट कारखाना है, उनका नाम और उनका स्थान, ठीक है। आप देखेंगे कि आपसे इतने से ही सारे प्रश्न बन जाएंगे, क्लियर है। और यहाँ पर ही आप क्या करिए, जो हमने चूना पत्थर पढ़ा खनिज में, उसको रिवाइज कर लीजिए कि चूना पत्थर किन किन स्थानों में प्राप्त होता है, किन किन जिलों से निकाला जाता है या प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीमेंट कारखाना या सीमेंट उद्योग समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए अब हम एक और उद्योग देखते हैं, शक्कर कारखाना, शुगर मिल। छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना की बात करते हैं। देखिए
शक्कर कारखाना जो है या शुगर इंडस्ट्री जो है, इसके लिए जो कच्चा माल होता है वो कृषि पर आधारित होता है, कृषि से प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, गन्ने से शक्कर का निर्माण करते हैं, गन्ने के रस से। ठीक है, तो गन्ना क्या है या शुगर केन शक्कर कारखाना का रॉ मटेरियल है। ठीक है, कच्चा माल है गन्ना। तो गन्ने का उत्पादन अगर हम देखें ना, तो इन जिलों में सर्वाधिक होता है। ठीक है, कुछ मुंगेली में, ठीक है, बिलासपुर में थोड़ा बहुत उत्पादन होता है, कवर्धा में, बेमेतरा में, राजनांदगांव में, बालोद में, इन क्षेत्रों में गन्ने का क्या है, पर्याप्त उत्पादन है। ठीक है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी क्या है, गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर गन्ना का पर्याप्त उत्पादन होता है। तो इन क्षेत्रों में गन्ने के उत्पादन के कारण क्या है, यहाँ पर शक्कर कारखाना क्या है, स्थापित है। वर्तमान में प्रदेश में 4 शक्कर कारखाने हैं और 5वां जो है वो प्रस्तावित है। तो केवल आपको 5 नाम याद रखने हैं। ठीक है, कितना नाम याद रखना है शक्कर कारखाने में, 5 नाम याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है यहाँ से। तो देखिए, एक शक्कर कारखाना है सूरजपुर में, 2 है कवर्धा में और 1 है बालोद में, और 1 जो है 5वें नंबर का प्रस्तावित है बेमेतरा में। तो ये आपको 4 जिलों का नाम याद रखना है, ऊपर सूरजपुर में है 1, 2 कवर्धा में है, 1 आपका बालोद में है और 1 बेमेतरा में क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला शक्कर कारखाना राज्य का है कवर्धा जिले में, यहाँ पर है आपका भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा। ठीक है, ये पहला राज्य का पहला शक्कर कारखाना है, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा, सबसे प्राचीन शक्कर कारखाना। और नवीनतम शक्कर कारखाना भी कवर्धा में ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना बिसेसरा पंडरिया, ये कहाँ पर है, कवर्धा के ही बिसेसरा में है, बिसेसरा पंडरिया तहसील, तो ये पंडरिया में है, बिसेसरा पंडरिया। ठीक है, तो दो नाम हो गए, पहला हो गया भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना बिसेसरा पंडरिया। ठीक है, बालोद में, ठीक है, बालोद में है माँ दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी देवी सहकारी शक्कर कारखाना बालोद। ठीक है, माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना बालोद, ये है आपका बालोद के करका भाठा में, कहाँ पर है, करका भाठा बालोद। और एक ऊपर है सूरजपुर में माँ महामाया, माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर, कहाँ पर है, केरता में है। तो ये 4 शक्कर कारखाना आपको याद रखना है। ठीक है, देखो कन्फ्यूज़न होता है कि माँ महाया कहाँ पर है, माँ दंतेश्वरी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ऊपर महामाया नीचे दंतेश्वरी है, भी दंतेवाड़ा नीचे पड़ता है, यहाँ पर दंतेश्वरी देवी का मंदिर है, बिलासपुर रतनपुर ऊपर पड़ता है, यहाँ पर महामाया देवी का मंदिर है, तो ऊपर महामाया नीचे दंतेश्वरी। तो बालोद में आपको याद रखना है कि दंतेश्वरी देवी शक्कर कारखाना है करका भाटा, और सूरजपुर में याद रखना है माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता। ठीक है, तो ये 4 शक्कर कारखाने वर्तमान में हैं। ठीक है, सबसे पहला ये है जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में। ठीक है, 2003 में भोरम देव आपका रामहेपुर, ठीक है, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे नया है, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी, 2016 में। ये जो माँ महामाया है, ठीक है, इसकी स्थापना 2007 में, और 2009 में माँ दंतेश्वरी देवी सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक है, तो पहला है ये नंबर 1 भोरम देव, नंबर 2 माँ महामाया ऊपर,
नंबर थ्री माँ दंतेश्वरी और नंबर फोर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और पांचवा जो है ये बेमेतरा के चंदनू नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो चंदनू नामक जगह पर बेमेतरा में क्या है, शक्कर कारखाना प्रस्तावित है, पांचवा। तो ये बात आपको याद रखनी, देखिए इसका क्रम भी याद रखना आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। किस जगह में है ये याद रखना है, क्या नाम है आपको ये याद रखना है, ठीक है। कुछ बातें और हैं जो हमको दिमाग में रखनी है। देखिए जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तो हमने देखा था कि जो भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना है यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कारखाने के अपशिष्ट पदार्थ से 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, कारखाने के अपशिष्ट से 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इस को जनरेशन प्लांट की स्थापना की गई थी 2006 में, 2003 में स्थापित हुआ था, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में 14 मेगावाट का पावर प्लांट क्या है, प्रस्तावित है। 14 मेगावाट का को जनरेशन प्लांट सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में प्रस्तावित है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना है कि इन चारों शक्कर कारखाने में सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी शक्कर कारखाना में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। वैसे तो पूरे कवर्धा में सभी 28 जिलों में सर्वाधिक उत्पादन है, लेकिन पर्टिकुलर कारखाना बोलेगा तो सरदार में सर्वाधिक, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्लियर है। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं शक्कर कारखाना में। और अब हम आ जाते हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, कागज उद्योग, ठीक है। कागज उद्योग देखिए छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो वन का, ठीक है, पर्याप्त हमारे यहाँ पर क्या है, विस्तार है, वनों का छत्तीसगढ़ में पर्याप्त विस्तार है, ठीक है। और इसमें बांस वन भी पाए जाते हैं। तो बांस से हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर कागज़ कारखाना या कागज़ का निर्माण किया जाता है, ठीक है। बांस से लुगदी बनाई जाती है और इसी लुगदी के माध्यम से हम क्या करते हैं, कागज़ का निर्माण करते हैं। तो राज्य में हमारे यहाँ पर क्या है, कागज़ उद्योग भी स्थापित है। तो कागज उद्योग कहाँ कहाँ याद रखना है, एक आपको बिलासपुर में, ठीक है, जांजगीर चांपा में, रायपुर में और गरियाबंद में, इन चार जिलों में ही आपको कागज उद्योग का नाम याद रखना है, ठीक है। देखिए यहां पर आपका जांजगीर चांपा में, ठीक है, कहां पर, जांजगीर चांपा में मध्य भारत पेपर मिल, मध्य भारत पेपर मिल, जांजगीर चांपा में क्या है, मध्य भारत पेपर मिल और है ब्रूक बॉन्ड पेपर मिल, ठीक है। मध्य भारत पेपर मिल और ब्रूक बॉन्ड पेपर मिल कहां पर है, जांजगीर चांपा में है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन कागज उद्योग या सबसे पुराना कागज उद्योग है मध्य भारत पेपर मिल, ठीक है। तो मध्य भारत पेपर मिल और ब्रूक बॉन्ड कहां पर है, जांजगीर चांपा में। बिलासपुर में ढेका नामक जगह है देवरी खुर्द के पास, यहां पर है कनोई पेपर मिल, कनोई पेपर मिल बिलासपुर ढेका, कनोई पेपर मिल बिलासपुर ढेका, तीन नाम हो गए। रायपुर में याद रखना है आपको जय माता दी पेपर मिल, ठीक है, जय माता दी इंडस्ट्री है, तो जय माता दी पेपर मिल कहां पर है, रायपुर में। और गरियाबंद में है हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज, क्या है, हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज या हनुमान पेपर मिल है गरियाबंद में। तो ये पांच आपको याद रखना है, पेपर मिल इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो मध्य भारत और ब्रूक बॉन्ड ये कहां पर है, जांजगीर चांपा में, मध्य भारत और ब्रूक बॉन्ड कहां पर है, जांजगीर चांपा में। बिलासपुर में है कनोई पेपर मिल, ढेका देवरी खुर्द में, जय माता दी जय माता दी कागज उद्योग है आपका रायपुर में, और गरियाबंद में है हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज या हनुमान पेपर मिल,
ठीक है। तो ये कागज उद्योग से संबंधित कुछ नाम हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, विशेष तौर पर इम्पॉर्टेंट है ये भी। और एक आपको पुट्ठा निर्माण कारखाना रायगढ़ में है वो याद रखना है, ठीक है। स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री कहाँ पर है? रायगढ़ में। या पुट्ठा निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर है? रायगढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पुट्ठे का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? रायगढ़ में किया जाता है। स्ट्रॉ बोर्ड इंडस्ट्री कहाँ पर है? रायगढ़ जिले में है, ये बात आपको भी याद रखनी, क्लियर है। तो ये पाँच नाम कागज उद्योग में और एक आपका स्ट्रॉ बोर्ड इंडस्ट्री, क्लियर है। ये भी कागज उद्योग से संबंधित है जिस पर हम क्या करते हैं, कच्चा माल जो है वो वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वन आधारित उद्योग। तो आज हमने तीन छोटे छोटे उद्योग पर बात की, हमने सीमेंट कारखाना पढ़ा जो कि खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट कारखाने के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा शक्कर कारखाने के बारे में जो कृषि आधारित उद्योग है। और तीसरा हमने पढ़ा कागज उद्योग जो कि आपका वन आधारित उद्योग है। तो ये इम्पॉर्टेंट है तीनों टॉपिक, आप इसे याद करें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच।